हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा मारुति सुजुकी की डिज़ायर के बारे में। फ्रेंड, इसका क्लच काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई भी गियर नहीं लग रहा है, शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसको चेक करूंगा क्या प्रॉब्लम है। और फ्रेंड, जितने मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे। ये फ्रेंड क्लच पैडल काम नहीं कर रहा है, इसको दबाने से अंदर तरफ दब जा रहा है। ये हार्ड नहीं है इसका क्लच। और फ्रेंड, स्टार्ट किए बिना इसका गियर लगाने से लग रहा है, बट ये स्टार्ट करने के बाद क्लच काम नहीं कर रहा, तो गियर नहीं लग पा रहा है। ये फ्रेंड, इसका क्लच जो है ये बिल्कुल फ्री हो गया, ये प्रेस करने से पूरा दब जा रहा है अंदर, ये हार्ड नहीं है। मैं इसको स्टार्ट करूँगा और इसका गियर लगाऊँगा। ये बिल्कुल फ्री है इसका क्लच, प्रेस करने से ये अंदर दब जा रहा है, इसलिए इसका कोई भी गियर नहीं लग रहा है। ये फ्रेंड, बंद करके मैं गियर लगा रहा हूँ तो लग रहा है, क्योंकि इसमें क्लच की ज़रूरत नहीं है। और जब मैं स्टार्ट करूँगा और गियर लगाऊँगा तो ये नहीं लग रहा है गियर, क्योंकि ये रिलीज बैरिंग जो है ये प्रेस नहीं कर रहा है क्लच प्लेट, इसलिए गियर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। ये फ्रेंड, गियर बॉक्स में एक सिलेंडर देता है क्लच का, क्लच सिलेंडर, तो फ्रेंड वो लीकेज है, इसका ऑयल पूरा लीक हो रहा है। ये गियर बॉक्स है तो इसके नीचे में पूरा ऑयल लीकेज है, ऑयल टपक रहा है पूरा। मैं फ्रेंड इसका गियर ऑयल को ड्रेन करूँगा और इसका दोनों ड्राई स्टॉप निकाल के गियर बॉक्स को बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही सिलेंडर निकलेगा, क्योंकि गियर बॉक्स के अंदर में इसका सिलेंडर दिया हुआ है। ये फ्रेंड इसका गियर ऑयल है। ये पूरा ड्रेन करूंगा मैं। और ये इसका ब्रेक ऑयल जो है, क्लच वाला ऑयल, वो लीकेज हो रहा है। ये फ्रेंड इसका सिलेंडर और ये इसका जॉइंटर है। मैं पूरा गियर बॉक्स को बाहर निकालूंगा, ये इसका जॉइंटर और इसके अंदर में सिलेंडर है गियर बॉक्स के अंदर में, और ये इसका पाइप है। तो मैं इसको गियर बॉक्स को बाहर निकालूंगा और इसका क्लच सिलेंडर को बाहर निकालूंगा। ये पूरा मैं एयर फिल्टर खोल दिया हूँ, बैटरी निकाल दिया हूँ बाहर। तो मैं इसके गियर बॉक्स को निकालूंगा, उसके लिए पहले ब्रैकेट खोलूँगा मैं। नीचे में ब्रैकेट है, गियर बॉक्स में लगा हुआ है। ये फ्रेंड, थोड़ी देर में मैं गियर बॉक्स को बाहर करूँगा और इसका सिलेंडर जो है उसको मैं चेंज करूँगा, क्योंकि इसका सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, इसका गियर नहीं लग रहा है। ये फ्रेंड पूरा ऑयल गिर रहा है, क्योंकि ये गियर बॉक्स में भर गया है और ये ब्रैकेट को खोला, इसलिए इसका ऑयल गिर रहा है पूरा। इसका जो क्लच का ऑयल है वो पूरा गियर बॉक्स में गिर गिर के वहाँ पास जमा हो गया है। तो मैं इसका ब्रैकेट को निकालूंगा। ये फ्रेंड, माउंटेड में जो ब्रैकेट लगा है वो ये ब्रैकेट है, ये गियर बॉक्स में लगा हुआ है। तो मैं इसको बाहर करूँगा, इसको सिलेक्टर बाहर निकाल दिया हूँ मैं। ये फ्रेंड इसका फ्लाईव्हील है और यहाँ पास पूरा ऑयल लीकेज हो के जमा हो गया था और टपक रहा था ऑयल इसके हाउसिंग से। मैं इसका गियर बॉक्स को बाहर कर दिया हूँ, ये इसका रिलीज बैरिंग है और सिलेंडर है। ये फ्रेंड, इसमें सिलेंडर और रिलीज बैरिंग दोनों साथ में दिया कॉम्बो। ये इसका रिलीज बैरिंग है, ये सिलेंडर है। तो इसको मैं 10 नंबर से पूरा 3 बोल्ट को खोल के निकालूंगा बाहर। तो बाहर निकालूंगा मैं। ये फ्रेंड कॉम्बो है, इसमें रिलीज बैरिंग और इसका सिलेंडर जो ये साथ में दिया है, तो ये दोनों एक साथ लगेगा। और ये इसका शाफ्ट है मेन गियर,
और ये फ्रेंड इसका क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट है, फ्लाईव्हील पे टाइट है ये, यहाँ भी पूरा ऑयल लग गया है लीकेज के कारण। ये फ्रेंड ऑयल लीकेज के कारण इसका पूरा हाउसिंग पूरा ऑयल हो गया है, पूरा ऑयल लगा हुआ है इसके हाउसिंग में, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा ही लीकेज हो रहा था इसके सिलेंडर से। ये इसका सिलेंडर है, मैं इसमें नया सिलेंडर लगाऊंगा, प्लस इसमें रिलीज बैरिंग भी साथ में है, ये इसका रिलीज बैरिंग है। तो ये सिलेंडर और रिलीज बैरिंग दोनों एक साथ है, ये कॉम्बो है फ्रेंड। ये फ्रेंड इसका मैं नया सिलेंडर लेके आऊँ, मैं इसमें ऑयल डालूंगा और इसमें पूरा ऑयल भरूंगा पहले सिलेंडर में, क्योंकि बाद में एयर ना ले, क्योंकि ये एयर ले लेता है सिलेंडर, फिर वर्क नहीं कर पाता है। ये फ्रेंड मैं इसको सीधा सीधा सेंटर में लगाऊंगा और इसको 10 नंबर से टाइट करूंगा, इसको अच्छे से लगाऊंगा मैं सेंटर में। ये फ्रेंड अच्छे से टाइट करूंगा और इसको मैं गियर बॉक्स को ऊपर चढ़ाऊंगा इंजन में वापस। ये फ्रेंड गियर बॉक्स लगा दिया मैं, और ये इसका जॉइंटर है सिलेंडर का जो बाहर में लगा हुआ है, इसका मैं जॉइंटर लगाऊंगा यहाँ पास, इसको लॉक लगाऊंगा जॉइंटर लगाने के बाद। और ये फ्रेंड इसका पाइप है, ये जॉइंटर में लगेगा, इस पे भी लॉक लगेगा, तो इसको भी लगाते टाइम लॉक लगाना जरूरी है, क्योंकि ये लॉक नहीं लगेगा तो लीकेज करेगा और पाइप बाहर फेंक देगा। ये फ्रेंड मैं इसका जॉइंटर लगा दिया हूँ और इसका ये केबल भी लगा दिया हूँ, गेयर केबल लीवर वाला, और इसका मैं सेंसर का कपलर लगा दिया हूँ। बाकी मैं इसको और कंप्लीट करूँगा, पहले इसका क्लच को मैं बताऊँगा, इसका सेंसर भी लगा दिया हूँ, गियर बॉक्स टाइट हो गया है। और फ्रेंड ड्राइव शाफ्ट भी लग गया इधर का राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का भी लग गया ड्राइव शाफ्ट। तो फ्रेंड ये कंप्लीट है, इसका एयर निकालूंगा मैं क्लच का, इसका इसमें ब्रेक ऑयल डालूंगा, ये बैटरी का प्लेट लगा के मैं एयर फिल्टर लगाऊंगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसमें ऑयल डालूंगा ब्रेक ऑयल, इसमें ऑयल भी नहीं है, इसमें फ्रेंड .3 का ऑयल डालूंगा मैं। ये फ्रेंड मैं इसको स्टार्ट करके इसका एयर निकालूंगा, क्लच का एयर मैं इसको स्टार्ट करूंगा। फ्रेंड मैं इसका क्लच का एयर निकालूंगा, क्लच पैडल को प्रेस करूंगा थोड़ा सा धीरे धीरे।
ये फ्रेन एयर निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पास से। इसको मैं 14 नंबर से ढीला किया हूँ एयर निकालने के लिए, फिर मैं इसको लॉक करूँगा। ये एक एक बूंद ऑयल टपक रहा है, इसका एयर निकाल रहा हूँ मैं अभी। ये लॉक होगा यहीं से, इसको 14 नंबर के फिट पाना से मैं एयर निकालने के लिए ढीला किया था। ये ऑयल टपक रहा है धीरे धीरे फ्रेंड, इसको मैं थोड़ा देर टपकने दूंगा क्योंकि इसका एयर बाहर निकालना है पूरा, और फिर मैं इसको लॉक करूँगा क्योंकि फ्रेंड इसमें एयर रहेगा तो क्लच हार्ड नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको पूरा एयर निकालूंगा पहले अच्छे से, इसके बाद मैं इसका क्लच को चेक करूंगा। और इसमें ऑयल कम है तो इसमें ऑयल डालूंगा मैं। और बाकी फ्रेंड ये हो चुका है, इसको मैं लॉक करूंगा 14 नंबर के फिट पाना से। ये लॉक होगा ऐसे, ये फ्रेंड ठीक है। इसका पैडल हार्ड हो चुका है, ये पहले बिल्कुल भी फ्री था, इसका गियर नहीं लग रहा था, अब मैं इसका गियर लगाऊंगा। ये फ्रेंड इसका गियर भी शिफ्ट हो रहा है, पहले इसका कोई भी गियर शिफ्ट नहीं हो रहा था स्टार्ट करने के बाद क्योंकि रिलीज नहीं कर पा रहा था। अब फ्रेंड कोई भी गियर लग रहा है और बिल्कुल फ्री लग रहा है एकदम। तो फ्रेंड इसके क्लच सिलेंडर में प्रॉब्लम था, इसका क्लच सिलेंडर जो है ऑयल लीकेज था, बाकी अब ये ठीक है, क्लच हार्ड है और गियर भी लगा।